बीजेपी विधायक भूपेंद्र पटेल ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। राज्यपाल ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता मौके पर रहे मौजूद। दिल्ली के मलकागंज इलाके में हुआ बड़ा हादसा, इमारत हुई धराशायी। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। बाराबंकी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, स्वाट टीम ने बड़ी कार्रवाई कर 9 करोड़ की अवैध मार्फिन की बरामद। मौके से 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष एके शर्मा पहुंचे ग्रेटर नोएडा। प्रदेश उपाध्यक्ष ने ग्रेटर नोएडा के फार्मा आदमियों के साथ की बैठक। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। पटेल को मिली गुजरात की कमान। जी हां, अब मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल ने शपथ ले ली है और पहली बार के बीजेपी विधायक भूपेंद्र पटेल आज गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। वहीं समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल समेत तमाम बीजेपी के नेता कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं मध्य प्रदेश, गोवा, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो ऐसे में अब भूपेंद्र पटेल ने मुख्यमंत्री के पद की शपथ ले ली है। बता दें, राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई है और कार्यक्रम जो है वो खत्म हो चुका है। ऐसे में कयास कई लगाए जा रहे हैं कि क्या आप मंत्रिमंडल में विस्तार भी हो सकता है। हालांकि कल से ही ये खबरें चर्चा में चल रही थी कि भूपेंद्र पटेल के शपथ के समारोह में, कार्यक्रम में क्या और मंत्री भी शपथ लेंगे, लेकिन उन तमाम चीजों पर जो है वो अभी तक सामने नहीं आएंगे। लेकिन अब एक बार फिर से अटकलें लगाई जा रही है कि मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है और ऐसे में कई चेहरे जो हैं वो बदले जा सकते हैं। चलिए, गुजरात से प्रणव सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणव, क्या कुछ और अपडेट मिल रहा है? क्या मंत्रिमंडल में अब विस्तार भी हो सकता है? जिस तरह से मैं पारुल में बताता हूँ कि सुबह में भी बताया था कि जब एयरपोर्ट से आए और सीधे सर्किट हाउस गए थे और सर्किट हाउस में एक बड़ी अहम बैठक की गई थी। वहाँ पे जो गुजरात के जो नया मंत्रिमंडल है जी, तो जो मंत्रिमंडल है वो किया जाएगा और नया मंत्रिमंडल है उनके ऊपर पूरी मीटिंग चल रही थी। अमित शाह खुद वहाँ पे सर्किट हाउस में मीटिंग थे और जो नए मंत्री है उनका चेहरा सामने आएगा और जो मंत्री है वो कार्य चेंज हो जाएंगे उस पर पूरी चर्चा अमित शाह ने हाउस में की थी। बिल्कुल प्रणव, और क्या कुछ अपडेट ये मिल पा रहा है कि मंत्रिमंडल में अगर बदलाव होगा तो कितने मंत्री बदले जा सकते हैं, कितने नए चेहरे शामिल हो सकते हैं, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, सबसे अहम बात तो ये बताई जा सकती है, काफी बड़े बड़े मंत्री है जैसे कि है जो डेप्यूटी सीएम है, बड़े बड़े भी मंत्री है वो शायद चेंज है। प्रणव, आपकी आवाज सही से नहीं पहुंच पा रही है मुझ तक, फिर से आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल ने शपथ ले ली है और ऐसे में अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कुछ मंत्रियों को बदला जा सके और कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सके। हालांकि इन सब बातों का जो स्थिति है वो साफ तब होगी जब पूरी तरह से इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा, इस बात की घोषणा कर दी जाएगी कि क्या सही में मंत्रिमंडल का गुजरात में विस्तार होगा। क्योंकि कल भी ये तमाम चर्चाएं चल रही थी कि हो सकता है भूपेंद्र पटेल के साथ ही तमाम और मंत्री भी शपथ ले सकते हैं, लेकिन शाम होते होते ये स्थिति बिल्कुल साफ हो गई थी कि आज सिर्फ भूपेंद्र पटेल ही अकेले शपथ लेंगे और मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो नहीं होगा। लेकिन एक बार फिर से अब इन सब चीजों को लेकर चर्चाएं फिर से चलनी शुरू हो गई हैं और ऐसे में अब जानकारी मिल रही है कि हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार भी गुजरात में हो सकता है।
देश की राजधानी दिल्ली के मलकागंज इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां एक एक इमारत गिर गई और ऐसे में इमारत के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। बता दें, सुबह करीब 11:50 पर दमकल विभाग को बिल्डिंग गिरने की कॉल आई थी और फिलहाल दो लोगों को बचा लिया गया है, जबकि और अस्पताल उन्हें को ले जाया गया है। यहाँ इमारत गिरी है, वहां सब्जी मंडी थाना का इलाका पड़ता है। साथ ही जानकारी ये भी मिल रही है कि ग्राउंड फ्लोर पर एक दूध की दुकान थी, उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। ऐसे में इमारत जब गिरी तो नीचे कई गाड़ियां भी खड़ी थी। हालांकि यह अभी तक साफ नहीं हो पाया कि उन गाड़ियों के अंदर लोग थे या फिर नहीं थे। फिलहाल मौके पर राहत और बचाव का काम करने के लिए दमकल विभाग की 7 टीमें मौजूद हैं। कई लोगों को अस्पताल भेज दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बाराबंकी की नगर कोतवाली पुलिस और स्वात टीम ने ओबरी सड़क से बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 9 करोड़ कीमत की अवैध मॉर्फिन बरामद की है। दरअसल पुलिस ने दो तस्करों के पास से 3 किलो से ज्यादा मॉर्फिन बरामद की है और तस्कर ये मॉर्फिन मणिपुर से लाकर बाराबंकी, लखनऊ और वेस्ट यूपी में सप्लाई करते थे। ऐसे में बाराबंकी की नगर कोतवाली पुलिस ने ये कार्रवाई की है और साथ ही पुलिस ने दोनों तस्करों के खिलाफ NTPS की धारा में केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। वहीं बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक यमुना साथ ने बताया है कि स्वात टीम और नगर कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि ओबरी के पास से कुछ मॉर्फिन तस्कर जाने वाले हैं, जिस पर चेकिंग लगाकर पुलिस ने दोनों तस्करों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। वहीं पुलिस ने इनके पास से 3 किलो 90 ग्राम अवैध मॉर्फिन भी बरामद की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 9 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो ऐसे में बाराबंकी में पुलिस ने 3 किलो से ज्यादा की मॉर्फिन पकड़ी है और साथ ही इसके साथ पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है और दो तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इटावा में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए ही सुनील तिवारी की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद पुलिस ने सुनील तिवारी को सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती करा दिया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बता दें कि रांची में दलित आदिवासी युवती से छेड़खानी और दुष्कर्म के मामले में सुनील तिवारी की गिरफ्तारी हुई है। तो इटावा का पूरा मामला है, जहां पर सुनील तिवारी की तबीयत बिगड़ गई। हालांकि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था, लेकिन गिरफ्तार होते ही उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो बता दें, सुनील तिवारी को रांची पुलिस ने टावा में गिरफ्तार किया। छेड़खानी करने का आरोप उनके ऊपर था, लेकिन ऐसे में पुलिस के गिरफ्तार करते ही तबीयत उनकी अचानक से बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया। लखीमपुर खीरी में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की तैयारियां तेज हो गई हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में जनसभा मंच तैयार हो गया है। वही कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि कुछ ही घंटों में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी वहां पर पहुंच जाएंगे। तो लखीमपुर खीरी में राजभर के नेतृत्व में जनसभा का मंच जो है वो तैयार कर लिया गया है। जनसभा को संबोधित वो करेंगे। तो ऐसे में चुनावी तैयारियों को धार देने में SVSP पार्टी जो है वो लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो बता दें, ऐसे में लखीमपुर खीरी में ओम प्रकाश राजभर पहुंचने वाले हैं। हालांकि तैयारियां उनके कार्यक्रम को लेकर पूरी कर ली गई हैं। ये तस्वीरें भी देख सकते हैं आप, किस तरह से पूरी जनसभा को लेकर उनकी तैयारियां कर ली गई हैं और ऐसे में तमाम लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। लखीमपुर खीरी का आज उनका दौरा है, जहां पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की तैयारियां तेज हो गई हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में जनसभा मंच तैयार हो गया है। वही कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं का आना भी शुरू हो चुका है और ऐसे में बताया जा रहा है कि थोड़ी ही देर में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी वहां पर पहुंचने वाले हैं।
बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ए के शर्मा आज ग्रेटर नोएडा पहुंचे। यहां पर उन्होंने ग्रेटर नोएडा के फार्म आदमियों के साथ बैठक की और जनसंवाद किया। इस दौरान उद्यमियों ने अपनी समस्याओं से ए के शर्मा को अवगत कराया और ए के शर्मा ने सभी की समस्याओं को सुना और जल्द ही समाधान की बात कही। उन्होंने कहा कि उद्योग के क्षेत्र में नोएडा और ग्रेटर नोएडा को विश्व में नंबर वन इकोनॉमिक जोन और औद्योगिक हब कैसे बनाए, इसी दिशा में काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और ज्यादा सीट जीतेगी और दोबारा सरकार बनाएगी, यही हमारा लक्ष्य है। तो ऐसे में आज बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ए के शर्मा ग्रेटर नोएडा पहुंचे, जहां पर उन्होंने उद्यमियों की समस्याएं सुनी और ऐसे में उद्योग जगत से जुड़ी तमाम समस्याओं को खत्म करने की बात उन्होंने कही है। ये हमारे उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे देश की आर्थिक क्षेत्र का एक तरह से यूं कहें कि बहुत बड़ा हब है, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेंटर है और इसकी जो परिस्थिति है उसे समझने के लिए यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनको थोड़ा प्रोत्साहित करने के लिए मैं आज यहाँ प्रमुख रूप से आया और बहुत अच्छी मीटिंग हुई। हमारी बातें उन्होंने समझा और दुनिया में और देश में जो हुआ है या हो रहा है और मैंने जो थोड़ा बहुत देखा है ऐसे कुछ उदाहरण और कुछ बातें मैंने उनसे शेयर की। उन्होंने कुछ अपनी भावनाएँ कुछ अपनी समस्याएँ भी हमसे शेयर की। हम दोनों मिल कर के हमारी खुद की अपनी मंशा है और इसी दिशा में मैंने उनसे बात भी किया। तो ऐसे में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने उद्यमियों की समस्याएं सुनी। ए के शर्मा नोएडा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने नोएडा और ग्रेटर नोएडा को लेकर तमाम बातें की। उन्होंने कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा को विश्व में नंबर वन इकोनॉमिक जोन और औद्योगिक हब कैसे बनाया जाए, इसी दिशा में काम करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी और ज्यादा सीट इस बार जीतेगी विधानसभा चुनाव में और दोबारा से सरकार बनाएगी। अमेठी के बेटुआ ब्लॉक में एक गांव की रहने वाली मंदबुद्धि महिला के साथ बगल गांव के दूसरे संप्रदाय के युवक ने दुष्कर्म किया। वहीं इसकी सूचना 6 सितंबर को पुलिस को देने के बावजूद भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक आए दिन इसी तरह से लड़की और महिलाओं को अपना शिकार बनाता रहता है। आरोपी की तरफ से पीड़िता के पिता को 15,000 देकर सुलह करने का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि बुजुर्ग पिता इस बात के लिए तैयार नहीं है। तो अमेठी का पूरा मामला है जहां पर न्याय के लिए दर दर जो है वो बुजुर्ग पिता भटक रहा है, गरीबों की सुनी नहीं जाती। ऐसे में गरीबों की पुलिस जो है वो बातें नहीं सुनती, ये तमाम आरोप पुलिस पर लग रहे हैं। हालांकि जब आरोपी को पकड़ने की बात की जाती है तो पुलिस की तरफ से ये कहा जाता है कि 15,000 रुपये लेकर मामले को रफा दफा कर दिया जाए और सुलह करने की दबाव पीड़ित ही परिवार पर बनाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी पीड़ित परिवार जब न्याय की गुहार लगाता है तो पुलिस पूरी तरह से कोई भी इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं करती है। जबकि बता दें कि आरोपी इस तरह की घटनाएं पहले भी कर चुका है और अमेठी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अमेठी का पूरा मामला है जहां पर न्याय के लिए दर दर भटकता बुजुर्ग पिता नजर आ रहा है। हालांकि देख सकते हैं किस तरह से चिट्ठी भी बुजुर्ग पिता की तरफ से दिखाई जा रही है और ऐसे में कार्रवाई की मांग की है, न्याय की मांग लगातार की जा रही है बुजुर्ग पिता की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। हालांकि पीड़ित बुजुर्ग पर ही दबाव बनाया जा रहा है कि 15,000 रुपये लेकर मामले को ख़त्म कर दिया जाए, रफा दफा कर दिया जाए मामले को, लेकिन उसके बाद भी पीड़ित जो है वो पूरी तरह से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, कार्रवाई पूरे मामले में चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस कोई बात उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। चलिए अमेठी से हमारे संवाददाता रणविजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणविजय, आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्यों एक बार फिर से यूपी पुलिस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं? जी मैम, आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये मंद बुद्धि औरत है जो भैंस चराने के लिए गई हुई थी जी, यहाँ पे गांव के ही कुछ लोग थे जिन्होंने इसके साथ जो है शारीरिक इसका शोषण किया है। इसकी FIR एप्लीकेशन जो है इसके पिताजी डॉक्टर
भटक के केवल ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से इस मुद्दे को न्याय मिल जाए जी। लेकिन कहीं ना कहीं से पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस हमेशा कटघरे में खड़ी देखी जा सकती है जी, कि जैसा भी हो किसी भी तरह से चाहे जो भी मामले हो, मामले को वो हर तरह से समझा बुझा कर ही निपटारा करना चाहती है। किसी भी प्रकार से न्याय का कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो न्याय के लिए हर वो व्यक्ति परेशान है जो जिसको लगता है कि मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस से सहायता मिल सकती है। बिल्कुल रणजीत जी, देखिए पुलिस को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती है, कहती है कि जनता की मदद के लिए है, जनता के लिए पुलिस काम करती है, लेकिन इस तरह से जब ये घटना सामने आ रही है कि पुलिस ही पीड़ित ही परिवार पर दबाव बना रही है कि मामले को खत्म कर दिया जाए, रफा दफा कर दिया जाए आरोपी को पकड़ने की बजाय, मैं ये भी जानना चाहूंगी रणजीत जी यहाँ पर कि आरोपी देखिए इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है, फिर अब तक क्यों कार्रवाई नहीं की गई? जी, कार्रवाई की बात देखी जाए तो जो भी आपराधिक कुकृत इस तरह के लोग करते हैं उनका कहीं ना कहीं से पुलिस के सह मिला रहता है जी। यही कारण है कि पुलिस जो है ज्यादातर समझौता का प्रयास करती रहती है। बिल्कुल रणवीर जी, और देखिए इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं और पूरे यूपी की बात कर ली जाए तो अक्सर घटनाएं हो जाती हैं, घट जाती हैं, लेकिन उसके बाद जो है सवाल पुलिस पर आकर खड़ा हो जाता है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, पुलिस ही पीड़ित पर दबाव बना रही है, फिर ऐसे में जनता जाए तो आखिर जाए कहाँ? देखिए पुलिस लोगों की, आम जनता की समस्या सुनने के लिए रहती है और ऐसे में सरकार भी दावे करती है, वादे करती है कि समस्याओं को सुना जाएगा, लेकिन फिर इस तरह से अगर पीड़ित पर ही दबाव बनाया जाएगा तो आम जनता फिर कहाँ पर गुहार लगाएगी न्याय की? ये बहुत ही बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर, क्योंकि आदमी अगर कोई भी आदमी कहीं से अगर पीड़ित होता है तो न्याय की आस लेकर पुलिस का ही पहला उसका जो काम है, पहला दरवाजा पुलिस का खड़खड़ाती है। ऐसे में अगर हमारे यूपी पुलिस जो है सजगता पूर्वक अगर काम करे तो ये घिनौने अपराध बहुत ही हद तक कम हो सकते हैं, लेकिन पुलिस इस घिनौने अपराधों को हमेशा तेज बढ़ावा दी है और इसके रोकथाम के लिए कोई उपचार नहीं देखा जाता है जी। चलिए रणजीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अमेठी का पूरा मामला है जहां पर न्याय के लिए दर दर बुजुर्ग पिता जो है वो भटक रहा है, लेकिन गरीबों की अमेठी पुलिस सुनती नहीं है। ऐसे में 15,000 रुपये देकर मामले को रफा दफा कराने की अमेठी पुलिस बात करती है, इसीलिए तमाम इन घटनाओं को देखते हुए यूपी सरकार पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि इस तरह की कई घटनाएँ लगातार सामने आती है जहाँ पर कटघरे में पुलिस खड़ी हुई नजर आती है। बाराबंकी के मसौली थाना क्षेत्र में 5 दिन पहले वार्ड की आया को चाकू मारने वाले आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर पुलिस पर फायर कर दिया जिसमें एक हेड कांस्टेबल घायल हो गया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई और दोनों आरोपी गोली लगने से घायल हो गए। वहीं मुठभेड़ के बाद पुलिस ने अब आरोपियों को धर दबोचा और घायल दोनों आरोपियों और हेड कांस्टेबल को इलाज के लिए बाराबंकी जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है जहाँ का इलाज चल रहा है। वहीं एसपी का कहना है कि ये लोग किसी दूसरी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए जाने वाले थे, लेकिन पहले ही इनकी पुलिस से मुठभेड़ हो गई जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मसौली पुलिस को सूचना मिली थी कि हत्या और हत्या के प्रयास का अपराधी इस क्षेत्र में है, उसके लिए घेराबंदी की गई थी, तो दो अपराधियों के आने की पुलिस को सूचना मिली जिसमें घेराबंदी की गई, अपराधियों द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया जिसमें हेड कांस्टेबल रामनयन घायल हुआ। इसी काउंटर फायरिंग में दो अपराधी मुठभेड़ में घायल हुए हैं जिनमें चोट लगी, उनको गोली लगी और उसके बाद उनको हॉस्पिटल लाया गया है। अभी हमारा हेड कांस्टेबल और दोनों अपराधी यहाँ पे हैं, एक अल्ताफ हुसैन है और एक दिनेश रावत है जो हत्या और हत्या के प्रयास में वांछित थे, लगातार अपराध कर रहे थे। अभी मुठभेड़ में गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। किस जगह घटना? ये ITI रोड मसौली पे ये घटना हुई थी, ग्राम करसंडा के पास में, वहाँ सूचना मिली थी, वहीं पर मुठभेड़ हुई और उसके बाद अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया है। आगरा के शाहगंज के चौकी सराय
ख्वाजा क्षेत्र में बिना मास्क के प्रवेश को लेकर निजी हॉस्पिटल स्टाफ और तीमारदार के बीच जमकर हंगामा और मारपीट हुई। वहीं इस पूरे मामले का वीडियो वहां मौजूद एक व्यक्ति ने बना लिया, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। तो आगरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर तीमारदार और हॉस्पिटल स्टाफ के बीच विवाद हो गया मास्क को लेकर। आगरा के जैतपुर थाना क्षेत्र में जंगल के किनारे हैंड ग्रेनेड बम मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। वहीं ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हैंड ग्रेनेड बम मिलने वाली जगह को सील कर दिया। बताया जा रहा है कि पुराने हैंड ग्रेनेड में जंग लगी हुई है। इसकी सूचना फॉरेंसिक टीम को दे दी गई है और वहां घूम रहे ग्रामीण ने बताया कि बम झाड़ियों में पड़ा मिला था, जिसके बाद उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। फिलहाल BDS की टीम के पहुंचने तक पुलिस ने क्षेत्र को सील कर दिया है और उस जगह से एहतियात बरतते हुए ग्रामीणों को हटा दिया गया है। श्रावस्ती के गिलौला थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला। वहीं युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस SP ASP भी पहुंचे और उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले की छानबीन शुरू कर दी। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। तो श्रावस्ती का यह पूरा मामला है, जहाँ पर संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला है। रामपुर के शहजाद नगर थाना क्षेत्र में बैंक ऑफ बड़ौदा में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। वहीं लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर दमकल की गाड़ी और स्थानीय पुलिस पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार कर रही है। बताया जा रहा है कि बैंक में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि घटना में किसी भी तरह की जान माल की हानि नहीं हुई है। वहीं इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। तो रामपुर की पूरी घटना है, जहाँ पर आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि अभी तक नुकसान की कोई भी जानकारी नहीं मिली है और बैंक में शॉर्ट सर्किट की वजह से यह भीषण आग लग गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा में शॉर्ट सर्किट होने से यह आग लग गई, जिसके बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने के प्रयास में जुट गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।